शराब दुनिया भर में व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पदार्थ है, और जबकि मध्यम खपत हानिकारक नहीं हो सकती है, अत्यधिक शराब का सेवन शरीर के लिए गंभीर परिणाम हो सकता है, विशेष रूप से लीवर के लिए। लीवर शराब सहित शरीर से हानिकारक पदार्थों को तोड़ने और निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि अत्यधिक और लंबे समय तक शराब के सेवन से लीवर खराब हो सकता है, जिसके किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यहां अल्कोहल प्रेरित लीवर खराब होने के 10 लक्षण दिए गए हैं। थकान, शराब के कारण लीवर खराब होने के सबसे आम लक्षणों में से एक है थकान या लगातार थकान महसूस होना। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीवर भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए जिम्मेदार होता है, और जब यह ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला पड़ जाता है। यह रक्त में बिलीरुबिन, एक पीले वर्णक के निर्माण के कारण होता है, जो तब होता है जब यकृत कुशलता से इसे हटाने में असमर्थ होता है। पीलिया गंभीर जिगर की क्षति का संकेत हो सकता है। पेट में दर्द, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द या बेचैनी लीवर खराब होने का एक सामान्य लक्षण है। यह दर्द सुस्त या तेज हो सकता है, और इस क्षेत्र में सूजन या कोमलता के साथ हो सकता है। मतली और उल्टी शराब से प्रेरित यकृत क्षति सहित कई स्वास्थ्य स्थितियों के सामान्य लक्षण हैं। ये लक्षण भूख न लगने और वजन कम होने के साथ हो सकते हैं। सूजन, पैरों, टखनों और पैरों में सूजन लीवर खराब होने का संकेत हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीवर एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है, जो रक्त वाहिकाओं में तरल पदार्थ को बनाए रखने में मदद करता है। जब लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह पर्याप्त एल्ब्यूमिन का उत्पादन नहीं कर सकता है, जिससे तरल पदार्थ आसपास के ऊतकों में लीक हो जाता है। आसान खरोंच और खून बहना जिगर थक्का बनाने वाले कारकों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, जो रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। जब लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह इन थक्का जमाने वाले कारकों का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर सकता है, जिससे आसानी से चोट लग सकती है और रक्तस्राव हो सकता है। मानसिक भ्रम, यकृत रक्त से विषाक्त पदार्थों को छानने में मदद करता है, जिसमें अल्कोहल द्वारा उत्पादित भी शामिल है। जब लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये विषाक्त पदार्थ रक्त प्रवाह में जमा हो सकते हैं, और गंभीर मामलों में मानसिक भ्रम, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और यहाँ तक कि कोमा भी पैदा कर सकते हैं। स्पाइडर एंजियोमास छोटी लाल रक्त वाहिकाएं होती है, जो मकड़ी के जाले की तरह एक केंद्रीय बिंदु से निकलती है। वे जिगर की क्षति का एक सामान्य संकेत है, और चेहरे, गर्दन, छाती और बाहों पर पाए जा सकते हैं। पामर एरिथेमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें हाथों की हथेलियां लाल और धब्बेदार हो जाती है। यह लीवर खराब होने का एक और सामान्य लक्षण है, और यह रक्त में विषाक्त पदार्थों के निर्माण के कारण होता है। डार्क यूरिन लीवर खराब होने का एक सामान्य लक्षण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीवर बिलीरुबिन नामक पदार्थ का उत्पादन करता है, जो मूत्र को उसका पीला रंग देता है। जब लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बिलीरुबिन रक्त प्रवाह में जमा हो सकता है और मूत्र को गहरा या भूरा भी बना सकता है। अंत में शराब से प्रेरित जिगर की क्षति व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम हो सकती है, जिसमें थकान, पीलिया, पेट में दर्द, मतली और उल्टी, सूजन, आसान चोट और खून बहना, मानसिक भ्रम, स्पाइडर एंजियोमास, पामर एरिथेमा और डार्क यूरिन शामिल है। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। शराब के सेवन को कम करने या छोड़ने से लीवर की और क्षति को रोकने में मदद मिल सकती है, और कुछ नुकसान जो पहले ही हो चुके हैं को उलट भी सकते हैं।